वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। और आरती शर्मा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। और इधर हो गया है मेरा बेटा तैयार। सुबह सुबह की आप सब लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, इधर बच्चे हो रहे हैं तैयार। और ये देखिए, और ये क्या कर रही है? सुबह सुबह फ़ोन देख रही है। और ये देखिए कि आदित्य भी तैयार हो रहा है। इधर जा रहे हैं बच्चे स्कूल। फ्रेंड्स, इधर कर लिया है मैंने घर का सारा काम, ये देखिए। और अभी करना है बाहर का गेट बंद। और आपको दिखाती हूँ, बाहर हो रही है बारिश। बाहर हो रही है बारिश। और मैंने कर लिया यहाँ पूजा और लगा दिया कान्हा जी का भोग। और आज हस्बैंड ले आए हैं कट्टा। सो मैं आज कर लेती हूँ नाश साफ बैठ के नीचे सारा, और पिसने के लिए डाल देती हूँ। और वैसे हो गया है मेरा घर का सारा काम। सो घर पहले से तो बेटर लग रहा है, पर बाहर हो रही है बारिश। बारिश का कुछ पता तो है नहीं कि कब अंदर आ जाए। सो अभी आने वाले हैं बच्चे, तो वो गए हैं लेने के लिए, तो देखते हैं कब तक आते हैं। फ्रेंड्स, इधर बना लिए मैंने अपने लिए एक कप चाय, और इसको उबलने का वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इधर आ गए बच्चे। क्या हुआ आज इतनी जल्दी फ़ोन क्यों कर दिया था? 1 बजे छुट्टी हो गई थी। फिर इतना देर कैसे हो गई? 2 ही बजे आए तुम लोग तो। पेपर कैसा गया? पेपर कैसा गया? गंदा? सो गाइस, ये देखिए, ये अदरक है मेरी। और ये अदरक में देखिए ये फूट गई है, मतलब इसको मैं उगा दूंगी तो ये उग जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ इसको उगा ही देती हूँ, इसका यूज नहीं करती। तो मैं अभी इसे फिलहाल गमले में उगाने जा। सो गाइस, यहाँ पे हो गया था आटा ख़त्म। तो मैंने सोचा आज ये नाज है, ये ले आए थे कट्टा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी इसको अच्छे से साफ़ करके और इसको मैं पीसने के लिए डाल दूँ। बट मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि ये थोड़ा सीला हुआ है, उतना अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। और बाद में जो ये छोटे छोटे दाने भरे बचे, उनको मैंने पन्नी में डाल दिया ताकि मैं चिड़ियाओं को डलवा सकूँ। तो मैंने सोचा कि जब ये छोटा थोड़ा थोड़ा सा सीला हुआ है तो धूप निकली हुई है, तो मैं फटाफट इसे धूप में डाल देती हूँ। तो मैंने इसको फटाफट धूप में डाल दिया और धूप में डाल के सुखा दिया। हेलो गाइस, मैं बना रही हूँ जीरा राइस। गाइस, कल पे पूछने गई थी कि टमाटर क्या भाव है, तो मुझे पता चला 250 रुपये किलो टमाटर है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार सूखी सब्जी बनाते हैं, अमचूर वगैरह नींबू वगैरह डाल के खाते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज जीरा राइस। और बाद अभी तो मैंने छोक दिया है इसको नॉर्मली, और इसमें नमक और डाल देती हूँ। और बाद में जब ये बन जाएंगे, हो जाएंगे फिर, तो इसमें खा के हम चूर और नींबू डाल दूंगी। तो अभी इनको ढक के और इनको बना लेते हैं, और तब तक मैं बना लेती हूँ इनके लिए पराठे या रोटियाँ, क्या खाएंगे पूछ लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, इधर खा रही हूँ मैं खाना, और कान्हा जी का भोग लगा दिया है। तो कोई आ गया था इसलिए हम दिखा नहीं पाए आपको। इस खाने में मैंने थोड़े से चावल और बना लिए थे, साथ में थोड़े आलू हैं और पराठे बना लिए थे। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।